हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज बना रही हूँ दलिया का उपमा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। उपमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कटोरी दलिया लिया है। ऐसे का हुआ दलिया है। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज, 7 से 8 रोसा की फली, 4 से 5 हरी मिर्ची, 1 मैगी पाउडर, 1 आलू और छोटा गोभी लिया है। 1 छोटी कटोरी भीगी हुई चने की दाल। अब हम यहाँ पर उपमा बनाना शुरू करते हैं। अब मैं कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लूँगी। तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें मूँगफली दाने ऐड कर दूँगी। दाने को अच्छे से सेंक लेंगे। अब मैं इसमें जीरा ऐड कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर सरसों दाना ऐड कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर 1 चुटकी हींग ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैं प्याज ऐड कर दूँगी और उसे अच्छे से सेंक लूँगी। अब मैं कटा हुआ अदरक ऐड कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर 2 से 3 लौंग और 2-3 काली मिर्ची ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैं गोभी आलू ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैं कटी हुई रोसा की फली ऐड कर दूंगी और सभी को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं यहाँ पर चने की दाल ऐड कर दूंगी जिसे मैंने भिगो के रखा था। अब यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। 2 मिनट के लिए ढक कर रख दूंगी। 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। अब मैं यहाँ पर मैगी पाउडर ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैं धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी 1 चम्मच और सभी को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर ढक कर रख दूंगी। 2 मिनट हो गए हैं, पानी गर्म हो गया है। अब मैं यहाँ पर दलिया ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से चला लूंगी। अब इसे मीडियम आंच पर 7 से 8 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। ये देखिए, हमारा दलिया अच्छे से फूल गया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। अब उपमा बनके तैयार हो चुका है। ये उपमा बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत पौष्टिक होता है। आप भी इसी तरह उपमा जरूर बनाएं। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, उपमा एकदम बन के तैयार है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।